4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी 240 सीटें पाकर भी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर रही। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के कड़ी चुनौती देते हुए 234 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि यूपी, हरियाणा और राजस्थान में बीजेपी की सीटों की संख्या में गिरावट के आकलन से पता चलता है कि विपक्ष में जीत में जाट, दलित और मुस्लिम वोटों का अहम योगदान रहा, जिसमें पार्टी का खराब चुनाव प्रबंधन भी शामिल है। इस मामले में भाजपा नेताओं का कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई के कारण पार्टी को 3 राज्यों में 45 सीटों का नुकसान हुआ है। इस खराब प्रदर्शन के कारण भाजपा ने अपना बहुमत खोया है। दरअसल बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 62 सीटें जीती, लेकिन राज्य में 33 पर सिमट गई, जबकि राजस्थान में 25 से 14 सीटों पर आ गई और हरियाणा में इसकी संख्या 10 से घटकर 5 ही रह गई। जबकि भाजपा नेताओं का मानना है कि विपक्ष का अभियान कि अगर एनडीए 4 से ज्यादा सीटें जीतेंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, इससे पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। वहीं बीजेपी आलाकमान का मानना था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पार्टी के सामने आने वाली हर कमी को दूर कर देगी। इस बीच राजस्थान के एक और बीजेपी नेता ने बताया कि इसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनते समय जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया।